हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहरूपा। और आज मैं आ गई हूँ बंगाली स्टाइल दही कातला के रेसिपी के साथ। हाँ, बंगाली लोग तो फिश हर डेली बेसिस पे खाते हैं, लेकिन ये रेसिपी एकदम ऑथेंटिक, एक सुपर टेस्टी रेसिपी है। तो वही ऑथेंटिक रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं बंगाली स्टाइल फिश करी दही कातला। लेट्स बिगिन। बंगाली स्टाइल दही कातला विथ सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए मैंने ले लिया है कातला फिश, और इसको बहुत अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है। तो अभी इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, साथ ही साथ ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून मस्टर्ड ऑयल, एकदम हाफ टी स्पून। और अभी सारे चीजों को बहुत अच्छे से फिश के साथ साथ मिक्स कर देंगे। फिश हमारी बहुत अच्छे से सॉल्ट एंड हल्दी पाउडर से कोट हो गए हैं। तो चलिए अभी कढ़ाई चढ़ाते हैं, फिश को फ्राई कर लेंगे। कातला फिश फ्राई करने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, और अभी ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल हमारी गर्म हो गए है, ऐड कर दूंगी फिश के पीसेस। देख लीजिए, मैंने सारे के सारे फिश के पीसेस ऐड कर दिया है, और अभी बस 1 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई होने दीजिए। फिश को बहुत अच्छे से फ्राई करने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा फ्राई कर लूंगी। 1 मिनट हो गए है, फिश को अभी पलट दूंगी। जैसे मैंने बताई कि बहुत अच्छे से फिश को फ्राई करने का एकदम जरूरत नहीं है, ऐसे पलट दीजिए। फिश हमारी फ्राई हो गए हैं, चलिए निकाल लेते हैं। ऐसे वन बाय वन करके निकाल लीजिए। देख लीजिए, फिश को मैंने निकाल लिया है, और अभी इसी सेम ऑयल में ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून कलौंजी, साथ ही साथ ऐड कर देंगे 2 रेड चिली। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऐसे, और अभी ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज का टमाटर फाइनली चॉप्ड किए हुए। टमाटर को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, मिला देंगे और बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर हमारी बहुत अच्छे से पक गए हैं, तो इस टाइम मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, मिला दूंगी बहुत अच्छे से। इस टाइम मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून दही, इसको बहुत अच्छे से फेट कर मैंने रेडी कर लिया है, तो इसको अभी ऐड कर दूंगी। ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, बहुत अच्छे से मिला दूंगी, और 5 मिनट तक ऐसे चलाते हुए ये मसाले को पूरा के पूरा रेडी कर लूंगी। देख लीजिए, मसाला हमारी पक गए हैं, ऊपर से ऑयल आ रहे हैं, तो इस टाइम में ऐड कर दीजिए फ्राई किए हुए फिश के पीसेस। मैंने सारे फिश के पीसेस ऐड कर दिया है, और इस टाइम में फ्लेम को हाई में कर दीजिए, और ढक्कन लगा के बस 5 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाएंगे। देख लीजिए, ग्रेवी कितना थिक हो गए है ना, तो इस टाइम में ऐड कर दीजिए ग्रीन चिली, और फिर से ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। इससे ग्रीन चिली का जो एरोमा है वो पूरा के पूरा ग्रेवी के अंदर आ जाएगी। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाएंगे। देख लीजिए, तो अभी ऐड कर देंगे सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर का पेस्ट। ये बस पानी मिला के मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, और 10 मिनट रख दिया था, उसके बाद यूज कर रही हूँ ग्रेवी में। अभी मिला दूंगी बहुत अच्छे से। देख लीजिए, दही कातला विथ सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर अभी एकदम रेडी हो गए हैं। गैस को बंद कर देती हूँ और इसको सर्व कर देती हूँ। इसको राइस के साथ ही बहुत अच्छा लगते है, घर में जरूर एक बार ट्राई करना, और कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए सर्व कर देते हैं। बंगाली स्टाइल दही कातला विथ सनराइज प्योर मस्टर्ड पाउडर अभी एकदम रेडी एंड सर्व्ड। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।